तो मेरे भाई डियर हेटर्स, आप सब लोगों के लिए चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग कमेंट में माँ बहन की गालियां देते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बोलूंगा कि आपके घर में भी एक माँ एक बहन है, ठीक है। तो किसी को बोलने से पहले वो सेम चीज आप पे भी लागू होती है। मैं छोटे मुंह बड़ी बात करूंगा, जिस भी यूट्यूब चैनल को तो अपना बाप मानता है, गुरु मानता है ना, कोई भी स्टाइलिंग चैनल, तो मेरे भाई उस बंदे को मुझसे कंपेयर कर लियो, मेरे बालों से, मेरी शक्ल से, मेरी बॉडी से, मेरे कपड़े पहनने के तरीके से, मेरी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी से, तुझे पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। सो अगली बार कुछ भी बोले तो सोच के बोला कर। और हाँ मेरे भाई, तू मुझसे बोला ना कि मास्टरबेशन से क्या क्या फायदे मिलते हैं, तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है, बॉडी देख, शक्ल देख, बाल देख, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। खैर अब तेरे बारे में बोलने का इतना टाइम नहीं है, चल अब जा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आप 30 डेज मास्टरबेशन नहीं करते हो तो आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, आपकी अकल पे, शक्ल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मेरे भाई इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आज से कुछ दिन बाद मैं शुरू करने वाला हूं रिसीडिंग हेयरलाइन की सीरीज, हेयर फॉल की सीरीज, जिसमें मैं आपको कवर करूंगा कि क्यों आपको गैपिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, डर्मोरोरर, मिनोक्सिडिल, रिसीडिंग हेयरलाइन, हेयर थिनिंग, गैपिंग, सब चीज कवर करूंगा। मेरे भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब वीडियोस को देखने में तो कमेंट जरूर करना, 1000 कमेंट अगर मुझे आ गए तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए पक्का उस चीज पे आएगी। कि चलो मैं तो अभी का आया बंदा हूं, कुछ साल ही पहले आया हूं मैं यूट्यूब पे, जो 4-5 साल से स्टाइलिंग का चैनल चला रहे हैं, कभी आपने उनसे पूछा है, जो हर दिन एक नया डब्बा पकड़ के खड़े होते हैं, मेरे भाई लो भाई ये शैम्पू लगा लो आपका हेयर फॉल खत्म, लो भाई ये तेल लगा लो आपका हेयर फॉल खत्म, इसके अंदर SLS नहीं है, इसके अंदर पैराबिन नहीं है, ये नेचुरल है, ये अननेचुरल, ये डिब्बा खाओ दोस्तों, मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ, मेरा हेयर फॉल बंद। लेकिन किसी बंदे ने ये नहीं बोला कि मास्टरबेशन इज अ मेन रीजन ऑफ हेयर फॉल, पिंपल्स, एक्ने इन टीनेज लाइफ 25 से कम की एज में। यही तो असली शॉर्ट है, पब्लिक पूछो ना जाके उनसे कि भाई क्यों नहीं बनाया, घूम फिर के सब लौंडे एक ही तरह का खेल खेल रहे हैं, सब वही बता रहे हैं ऑयलिंग करो, शैम्पू करो। अरे भाई ऑयलिंग करो, शैम्पू करो, खाना खाओ, सब ठीक है मेरे भाई, जो लौंडे नीचे से बहा रहे हैं, निकाल रहे हैं डेली, उनका कोई समाधान क्यों नहीं बता रहे हो तुम? नहीं बताएंगे ना भाई, डब्बे जो बिकवाने हैं लोगों को। तो खैर अब इन सब गुरुजी की बातों को साइड में रखो और तुम्हारा भाई अब तुम्हें असली चीज बताता है कि क्या होता है। मेरे भाई क्या होता है? तो मास्टरबेशन अगर आप 30 दिन स्टॉप करोगे तो क्या होगा? देखो भाई, मास्टरबेशन 30 दिन अगर आप स्टॉप करोगे तो आपको वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन वो आपको महसूस होगा। कैसे महसूस होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर आपको एनर्जेटिक फील होना स्टार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी बॉडी की ना सबसे एक नंबर प्रायोरिटी होती है, जैसे जब हमारी गर्लफ्रेंड होती है तो जब हम मम्मी पापा से ऊपर अपनी बंदी को रखते हैं ना कि भाई उसकी हर एक बात मानते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड हमारी हर बात मानती है, चैटिंग करते हैं, बोलते हैं ऑनलाइन हो तो हम तुरंत ऑनलाइन आते हैं, वो बुलाती है, तो ऐसी हमारी बॉडी की एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो होती है कि भाई वो सबसे पहले स्पर्म बनाती है। आप कुछ भी खाओगे वो स्पर्म बनाने में लग जाएगी। अब मान लो आप एक बंदा एक दिन में एक बार मास्टरबेशन कर रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी स्पर्म निकला, उसने खाना खाया, स्पर्म बन गया, तो ऐसी करके मान लो उस बंदे ने अब 4 बार करने लग गया, सोचो कितना बार बॉडी स्पर्म को प्रोड्यूस करेगी। और क्या आप इतना हेल्थी खाना, इतना आपका खाने की डोज अच्छी है कि आप जितना खाओगे आपकी बॉडी इतना बनाने लग जाएगी? नहीं। तो सोचो जब आपके पास इतना खाना बचा ही नहीं तो आपके बालों पे और आपके चेहरे पे क्या लगेगा? वो सारा खाना जो आपने खाया वो तो स्पर्म बनाने में लग गया। फिर क्या होगा? फिर चेहरे पे पिंपल्स होंगे, आप अपने गुरुजी की वीडियो देखोगे, गुरुजी की वीडियो देखने के बाद और डब्बा खरीदोगे, डब्बा खरीदने के एक महीने बाद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप इंडिया बी फिट सर्च करोगे। तो क्या होगा ना मेरे भाई, जब आप अंधाधुंध लेवल पे मास्टरबेशन करोगे, अपने बॉडी के अंदर से स्पर्म को इजैकुलेट करोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि टी लेवल जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, डिसबैलेंस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से एक्ने होना स्टार्ट होगा, बॉडी के अंदर मसल मास नहीं बढ़ेगा, आपके बाल थिन होना स्टार्ट होंगे, और सबसे ज्यादा ये घातक होता है हमारे बालों के लिए हेयर थिनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कसम खा कहता हूं, आप कोई भी कंपनी के वैक्स लगा लो, हेयर ड्रायर लगा लो, अगर आपके बाल में अंदर से मजबूती नहीं है ना तो होल्ड आ ही नहीं सकता। कितना भी वैक्स पहन लो, कितनी भी ड्रायर पहन लो, तो इसलिए मेन चीज है अपने बालों को अंदर से मजबूत बनाओ। तो मेरे भाई मैं एक बात आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरे भाई अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो ना तो आपको ये शिकायत जरूर होगी कि आप अपना जब हेयर स्टाइल बनाते हो तो आपके बालों के अंदर से होल्ड खत्म हो चुका है अचानक से। पहले था होल्ड कुछ साल पहले, लेकिन अब धीरे धीरे करके होल्ड खत्म है। नहाते हो, तेल लगाते हो, बालों के अंदर बाल झड़ने लगते हैं, निकलने लगते हैं गुच्छे गुच्छे एकदम, स्किन में पिंपल्स होने लगे हैं, आपके फेस में एक्ने होने लगा है, और एक्ने बहुत टाइम तो चल रहा है। नॉर्मल जो पिंपल्स होते हैं वो 7-8 दिन में बैठ जाते हैं, जो आपके मास्टरबेशन की वजह से नहीं होते, वो आपके खान पीन की वजह से होते हैं। जैसे मुझे पिंपल हो रहे हैं, मैं प्रोटीन लेता हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करता हूँ, मुझे पिंपल हो जाते हैं, बट वो 2-3 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक्ने जो होता है वो खत्म नहीं होता। मास्टरबेशन से हुआ एक्ने सालों साल चलता है कि नहीं बात?
कमेंट करके बताना। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी इस वीडियो चैनल में बनाए सब कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देख के बनाया। मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं करी, गूगल से उठा के नहीं बोला, हर चीज मैंने अपने दिल से बनाई। जो मुझे हुआ वो सब मैंने आपको बताया। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दिल की प्यारी प्यारी बातों कमेंट मिलेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूले। और अपने चैनल पे मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लाता रहूंगा। लव यू ऑल, पीस आउट एंड #cutestloverboynation।